कोरडी में था। एक पारसी दंपति मिलने के लिए आया, ही वॉज द यंग पारसी ने। तुम्हें ओळखता हूं तो ये लोग आप शब्दों प्रयोग न करे, ख्याल आवे जन, आप पण न बोले, तमे पण न बोले, शू बोले तू छे परिचय में कोई नो समीर छे। हाँ એટલે હું બેઠો હતો તો મારી આગળ મરવા માટે, એટલે પારસી પતિ પત્ની હતા, મને કે તું બાવો કેમ થઈ ગયો? હવે એને કઈ સાલ બાવો એટલે ઓલા ઓલા ટોનમાં નહીં, સાધુ, પણ એની એ ભાષા, મને કે તું બાવો કેમ થઈ ગયો આ ઉંમરમાં? હવે એને બધી એની ભાષામાં મારે કઈ જે કઈ સમજાવતું બધું સમજાવ્યું। અભી મેં જબ ઇનકો સમજા રહા થા તબ ઇનને ઇનકે પતિને ઉનકો કહા માલુમ હૈ યે વો પતિ ને અપને પતિ કો કહા। मैं बोला मैं साधु इसलिए बना। और ये सब बात करते करते बात मेरी निकली ना, और मैंने कहा कि मालूम है मैं करीबन स्नान नहीं किया 25 साल से, वर्षों बिना स्नान नहीं किया, स्नान नहीं किया, मैं नहीं किया। अभी देखो इनका पति पुत्ता है मुझे कि महाराज साहब एक बात, एक दिन में दो बार हम स्नान करते, इत्र निकालते, पप पाउडर सब कुछ, इनकी पत्नी को बोलता है ये कमाल, ये बोलता है 22 साल से स्नान किया, 25 साल से दिमाग में बैठता है। और वो पति पत्नी को बोलता है राज मालूम है तुझे, महाराज एक बात बताऊं, आपने स्नान नहीं किया, आप झूठ तो नहीं बोलते, मगर आपके शरीर में कोई बास भी तो नहीं आती है। हम एक दिन में दो बार स्नान करते मगर बास आती, और तू 22 साल से तू बोलता है कि मैंने स्नान किया बास नहीं आती, बात क्या है? और ये पति मुझे पूछ रहा है कि महाराज साहब इनका कोई लॉजिक आपके पास है क्या, स्नान करने के बाद भी बास क्यों नहीं? अभी मैं बोलूं इनके पहले उनकी पति ने बोल दिया मैं आपको बताऊं, तू बताएगी? ये साधु के शरीर में बास नहीं आती, तू बताएगी कारण क्या था? हाँ मैं बता सकती हूं क्या, और मेरी आंख में आंसू दे, भगवान आपने क्या मार्ग बता दिया ये स्नान नहीं करना, तुम मुझे बताओ लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं, मैं आपको बताना भी नहीं चाहता हूं, लॉज क्यों करा दो? आप बोलो महाराज साहब बाल कटवाने बाल खींचने से कोई निर्जरा होती है, तुम्हें मानना नहीं मानना लग पाते, हमारा टोटली ब्लाइंडिंग ड्राफ्टिंग पर साइन है, हम कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं, लॉज कराना चाहिए, वीआर करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए। और वो पति पूछ रहा है कि आपके शरीर में बास नहीं क्यों? और वो टाइम वो पारसी पत्नी ने अपने पति को कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे और आपके शरीर में दो बार तीन बार स्नान करने के बाद भी बास आती है, और उनके शरीर में बास नहीं, इनका कारण मेरे और आपके मन में शैतान बैठा है, उन लोगों के हृदय में भगवान बैठा है, या भगवान होता है। एक ये ताकत, ये पारसी दंपति की ये श्रद्धा, मेरी आंख में आंसू दे, भगवान क्या कमाल कर दिया, ये बास आएगी भगवान को लेकर के घूमते, मैं और तू शैतान लेके चल रहे। एक बात तुमने गंभीरता दी कही, बहु लंबी बात नहीं कहूं, पर कोई पण बात में कोई पण मुनि भगवान गुरु भगवान कोई पण तुमने इनके नहीं के प्रभु ये ना पड़ी से प्लीज दलील नहीं करता, तुमने न भावे कदाच अमल न करी सको तो कहजो मारी लाचारी छे, पर भगवान ने कीधु छे त्यां तमारो तर्क मेहरबानी करीने नता प्लीज नहीं। એ જમાનામાં ભગવાને કઈ લાઈટ બાઈટ હતી નહીં, તારે જોયું તો રાત્રિ ભોજનનું નહીં, મહેરબાની હાથ જોડીને કહી દો દોસ્ત મારે ને તારે 4 રોટલી ખાવી હોય તો ખાઈ લેશું, પણ ભગવાનના વચન સામે ચેલેન્જ કરવાનું પાપ નહીં।